हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने छत के गार्डन में आई हूँ और कुछ पौधों की कटिंग करने आई हूँ। काफ़ी जो बड़े हो चुके हैं, बरसात में काफ़ी फैल जाते हैं पौधे। और ये चौलाई के पेड़ हैं जो काफ़ी हो चुके हैं हमारी क्यारी में, जिनकी हम कटिंग कर रहे हैं। और कटिंग करके फिर इनकी छटाई करके तो इनकी सब्ज़ी बनाएंगे। और ये जड़ से हम निकाल रहे हैं, इसे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। इसकी जगह पे हम मिर्ची के पौधे लगाऊंगी मैं। इसकी अब हम छटाई करेंगे, पत्ते पत्ते रखेंगे सिर्फ और बीज फेंक देंगे। इसकी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी होती है दोस्तों। और ये ग्रो बैग में मैंने पपीते का पेड़ लगाया है और इसमें मैंने साथ में तुरई का पेड़ भी लगाया है। ये काफ़ी बड़े बैग होते हैं, आप इसमें दो प्लांट आराम से लगा सकते हो। और ये तुरई की बेल देखो काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुकी है, इसमें फूल भी काफ़ी आ गए हैं और ऊपर छोटी छोटी तुरई लगनी चालू हो गई हैं। ये लौकी की बेल है, साथ में इसमें तुरई की बेल भी है, इसमें भी फूल आने चालू हो गए हैं। बैग में मैंने अनार लगाया है, एक अनार भी इसमें आ चुका है और फूल काफ़ी आए हैं। ये भी 18 इंची ग्रो बैग है, काफ़ी फूल आए हैं इसमें। अनार अभी एक ही निकला है छोटा सा। चमेली का पेड़ है, ये भी मैंने ग्रो बैग में लगाया है, इसमें काफ़ी फूल आए हैं और काफ़ी सुंदर फूल आते हैं इसमें। पूरा पेड़ फूलों से भरा हुआ है, ये भी मैंने ग्रो बैग में ही लगाया है। ये सारे ग्रो बैग 18 इंच के हैं, इन आराम से पौधे लगा सकते हो आप और काफ़ी फैलते भी हैं क्योंकि जगह काफ़ी मिल जाती है इन्हें। पूरा पेड़ फूलों से लदा हुआ है। ये मैंने मिर्ची के पेड़ लगा दिए हैं क्यारी में, अलग अलग से लगा दिए मैंने मिर्ची के पेड़। और कुछ बीज हमारे राई के गिर चुके थे क्यारी में, तो राई के छोटे छोटे पेड़ निकल आए हैं, ये भी सब एक साथ हो चुके हैं, तो मैं इनको अलग अलग करके लगाऊंगी ताकि इनको काफ़ी जगह मिल जाए अच्छे से। थोड़ी दूरी दूरी में मैंने ये पेड़ लगा दिए हैं। छः से सात पेड़ हैं ये राई के, ये पिछले साल का बीज गिरा था तो इसमें बरसात में खुद ही उग गए। और ये लेमन ग्रास का पेड़ है, इसकी कटिंग कर रहे हैं, ये भी काफ़ी फैल चुका है बरसात में और ज़्यादा पानी गिरने की वजह से इसके पत्ते नीचे से गल चुके हैं, जिनको हम कटिंग करके निकाल देंगे। और देखो हमने कटिंग कर दिया तो काफ़ी खूबसूरत हो गया कटिंग करके। और इसकी चाय दोस्तों शरीर के हमारी काफ़ी लाभदायक है, आप इसकी चाय सुबह ज़रूर पीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ।